Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the remaining part of the poem Macavity the Mystic Cat. So let us see. Macavity, a ginger cat, is very tall and thin. कवि मैकेविटी जो है उसकी शारीरिक बनावट के बारे में बता रहा है कि मैकेविटी एक हल्के नारंगी रंग की बिल्ला है. ही इज़ वेरी टाल एंड थिन, वह लंबा है और दुबला पतला है. यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, आप उसे जान लेंगे, पहचान लेंगे यदि आप उसे देखेंगे. और हिज़ आइज़ आर संकेन इन, क्योंकि उसकी जो आँखें हैं वो अंदर की ओर धंसी हुई हैं. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His brow is deeply lined with thought. सोचने के कारण उसकी जो भौहें हैं वो अत्यधिक सीधी हो गई हैं, घनी हो गई हैं. His head is highly domed, और उसका जो सिर है वह पूर्णतया गुंबद के समान है. His coat is dusty from neglect. Neglect means होता है उपेक्षा करना, उचित देखभाल के ना होना. His coat is dusty, उसका जो कोट है वह मैला हो गया है उचित देखभाल ना होने के कारण. उचित देखभाल ना होने के कारण, उपेक्षा के कारण उसका कोट मैला हो गया है. His whiskers are uncombed, और उसकी जो मूछें हैं, उसके जो नाक के पास जो बाल हैं वो बेतरतीब हैं, उनको ठीक नहीं किया गया है, वो अनकॉम्ड हैं. ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक, जिस प्रकार से एक सांप अपने सर को अपने हिलाता है, गति करता है इधर से उधर, उसी प्रकार से मैकेविटी अपने सर को एक ओर से दूसरी ओर हिलाता है. एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, और जब आप सोचते हैं कि वह आधा सोया हुआ है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तो वह पूर्णतया जगा होता है, अर्थात पूरी तरह से सचेत होता है. मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी. कवि कहते हैं कि मैकेविटी ही मैकेविटी, मैकेविटी के समान कोई दूसरा नहीं है. फॉर ही इज फाइंड इन फेलाइन शेप, क्योंकि वह बिल्ली के आकार में, बिल्ली के रूप में एक राक्षस है, एक शैतान है. ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, वह एक अनैतिकता का राक्षस है जो हमेशा अनैतिक कार्यों को करता है. यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, आप उससे कहीं भी इधर उधर गलियों में, सड़कों पर मिल सकते हैं. यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे चौराहों पर देख सकते हैं. बट वेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जब कोई घटना घटित हो जाती है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तो मैकेविटी वहां पर नहीं होता है, अर्थात मैकेविटी को फिर वहां पर नहीं पाया जाता है, वह वहां से गायब हो जाता है. एक बार फिर से देखते हैं. मैकेविटी जिंजर कैट, ही इज वेरी टाल एंड थिन. कवि कहते हैं कि मैकेविटी एक हल्के भूरे रंग की, नारंगी रंग की बिल्ली है, और वह लंबी और दुबली पतली, दुबला पतला है. यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, और हिज आइज आर संकीर्ण हिन. कब कहते हैं कि यदि आप उसको देखोगे तो उसे पहचान लोगे, क्योंकि उसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई हैं. हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट्स, विचार के कारण उसकी जो भौहें हैं वह सजी हुई हैं, अर्थात एक सीध में हैं, घनी हो गई हैं. हिज हेड इज हाईली डॉम्ड, और उसका जो सिर है वह पूर्णतया गुंबद के समान है. हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, उपेक्षा के कारण, उचित देख रेख न होने के कारण उसका जो कोट है वह मैला हो गया है. इस स्किल्स आर अनकॉम्ड, उसकी जो मूछें हैं बेतरतीब हैं. ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक, वह अपने सर को एक सर्प के समान, जैसे सर्प एक गति करता है, अपने सिर को इधर से उधर हिलाता है, उसी प्रकार से वह भी, अर्थात मैकेविटी, अपने सर को एक तरफ से दूसरी ओर हिलाता है. एंड वेन यू थिंक ही साफ स्लीप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, जब आप सोचते हैं कि मैकेविटी आधा सो रहा है, निद्रा में है, तो वह पूर्ण रूप से जगा रहता है, अर्थात सजग रहता है. मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी. मैकेविटी मैकेविटी, मैकेविटी के समान कोई दूसरा नहीं है. फॉर हिज पेंड इन फेलाइन शेप, क्योंकि वह बिल्ली के आकार में, बिल्ली के रूप में एक शैतान है. ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, वह एक अनैतिक राक्षस है.
यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, आप उससे कहीं भी इधर उधर सड़कों और गलियों में मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन ए स्क्वायर, आप उसे चौराहों पर देख सकते हैं। बट वेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जब कोई घटना घटित हो जाती है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं होता है, अर्थात वह वहाँ से बच करके निकल जाता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन पोएम। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।